हाई फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन टुडे। सो आज मैं आ गई हूँ बीटी रोड जोधपुर में कवर करने के लिए गोदरेज प्राकृति कॉम्प्लेक्स को। सो बेसिकली गोदरेज प्राकृति में दो फेजेस है, एक बनकर सोल्ड आउट हो चुका है और अभी उसके दो टावर एक्सटेंशन हो रहे हैं, एक कुमायून और एक शयद्री। सो जिसका पोजीशन आपको 2025 में मिल जाएगा। सो चलिए आज हम पूरा कॉम्प्लेक्स देखेंगे और 3BHK मॉडल फ्लैट भी कवर करेंगे और देखेंगे पूरा कॉम्प्लेक्स कैसा है, क्या एमिनिटीज वगैरह है। सो चलिए।
सो फ्रेंड, चलिए मैं आपको एक 3 BHK का मॉडल फ्लैट दिखा देती हूँ. सो बेसिकली ये एंट्रेंस है, ओके. और एकदम ये कॉर्नर पे ये 3 BHK फ्लैट है. इसके सामने ही ये एक पैसेज चला जा रहा है 6 फुट का ऑलमोस्ट. जैसा कि आप देख रहे हैं वहाँ पे 3 लिफ्ट है, यानी हर टावर में आपको 3 लिफ्ट मिल जाएगा. कंटिन्यूस 3 लिफ्ट है. सो आप लिफ्ट से आते ही आपको लेफ्ट साइड पे ये एक 3 BHK का मॉडल फ्लैट है. सो चलिए अब चेकआउट करते हैं कि इसका लेआउट कैसा है. सो बेसिकली इस प्रोजेक्ट का नाम प्रकृति है. सो सामने में ही उन्होंने अपने एक लोगो को, एक मॉडल, एक यू नो आइडल इमेज को शो करने की कोशिश की है. सो जैसे आप घुसते हैं, सबसे पहले जो आपको दिखेगा कि पूरे फ्लैट में वेट्रीफाइड टाइल्स का काम किया गया है, ठीक है. दरवाजे से घुसते साथ ही लेफ्ट साइड से थोड़ा सा आकर ही आपका ये हॉल कम लिविंग स्पेस शुरू हुआ है. सो जैसा कि आपको कैमरे में दिख रहा है कि ये बहुत बड़ा सा एक हॉल कम लिविंग स्पेस है. सो सबसे पहले मैं आपको इस हॉल कम लिविंग एरिया का स्पेस बता दूं. ये बेसिकली 27x10 का हॉल कम डाइनिंग स्पेस है, ठीक है. दरवाजे से घुसते ही एकदम फ्रंट वॉल पे इन्होंने टीवी सिचुएट किया है. इट्स अ मॉडल फ्लैट, तो इन्होंने यहाँ पे रखा है. आप अपने हिसाब से कहीं भी रख सकते हैं. और ऊपर में आपके पूरे फ्लैट का MCB पॉइंट दिया गया है, जो कि एंकर का है. सो स्विचेस वगैरह सारे एंकर के हैं और वायरिंग हैवल्स की गई है, ओके. सो मैं अभी भी एंट्रेंस के पास में ही खड़ी हूँ. तो मैं आपको एक छोटा सा क्विक यू नो बता दूँ कि कौन सा किस जगह पे सिचुएट है. सबसे पहले ये फर्स्ट बेडरूम है, उसके बाजू में ही ये किचन है, उसके बाद ये सेकेंड बेडरूम है, वो एक कॉमन बैल्कनी है. फिर उसके बाद यहाँ पे ये आपको थर्ड बेडरूम दिया है, और इस बेडरूम के सामने में ही आपको एक कॉमन बाथरूम दिया गया है. सो इसके सामने में ही आपको ये कॉमन बाथरूम दिया हुआ है, ओके. सो यहाँ पे प्रकृति नाम है इस प्रोजेक्ट का. तो देख रहे हैं आप, हर जगह पे प्रकृति को शो ऑफ करने की कोशिश की गई है, क्योंकि प्रकृति बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे लाइफ में. सो शायद इसीलिए इस प्रोजेक्ट का नाम प्रकृति है. सो इट्स रियली गुड कॉन्सेप्ट, बहुत अच्छा है, ओके. सो ये आपका एंट्रेंस है. एंट्रेंस से घुसते ही सबसे पहले आपको ये हॉल कम लिविंग स्पेस मिल जाएगा, ठीक है, जो कि 27x10 है. उसके बाद ये फर्स्ट बेडरूम है. सो फर्स्ट बेडरूम में घुसते ही जो सबसे पहले आपको दिखेगा, पीछे एक सबसे बड़ा एक ह्यूज सा विंडो दिया गया हुआ है. द साइज में बता दूं, ये 10x12 का एक फर्स्ट बेडरूम है, जिसे इन्होंने किड्स रूम शो करने की कोशिश की गई है, ठीक है. यहाँ पे एक सिंगल बेड दिया हुआ है, यहाँ पे बच्चे के पढ़ने के लिए स्टडी टेबल दिया गया है, सामने में एक बड़ी सी विंडो है, और यहाँ पे एक बच्चे के लिए वार्डरोब दिया गया है. सो बेसिकली मॉडल फ्लैट है, तो आपको ये सेटअप नहीं मिलेगा. ये जो आप वार्डरोब देख रहे हैं, ये वार्डरोब आपको नहीं मिलेगा. सो ये आपको खुद से बनाना है, और फ्रंट वॉल में ही स्विचेस है. सो बेसिकली ये फर्स्ट बेडरूम है. सो चलिए मैं अब आपको 3 BHK का एक मॉडल फ्लैट दिखा देती हूँ. सो ये बेसिकली एंट्रेंस है. इस प्रोजेक्ट का नाम प्रकृति है, इसीलिए फ्रंट वॉल पे ही प्रकृति का एक डिज़ाइन टाइप का बनाकर इसको शो ऑफ करने की कोशिश की गई है. एंट्रेंस से घुसते ही जो सबसे पहले आपको दिखेगा वो है टाइल्स, ठीक है. सो फ्लोरिंग जो है आपकी वेट्रीफाइड टाइल्स की गई है. फ्रंट वॉल पे ही आपको एक टीवी का यू नो सेटअप दिया गया है, ठीक है. ऊपर में ही आपको ये एंकर के स्विचेस दिए हैं. सो बेसिकली जो स्विचेस है वो एंकर की है, वायरिंग जो है वो हैवल्स की है. सो इट्स अ मॉडल फ्लैट. सो यहाँ पे बहुत अच्छे से, बहुत खूबसूरती से डेकोरेट किया गया है. सो सबसे पहले मैं ये आपको दिखा दूं कि ये हॉल कम लिविंग स्पेस है. सो जैसा कि आप मेरे कैमरे में देख रहे हैं, इट्स अ ह्यूज हॉल कम लिविंग स्पेस विद द 27x10. सो इसका जो स्पेस है वो 27x10 है. यहाँ पे एक आपको एक सोफिया का सेटअप दे रखा है इन्होंने, और एकदम डेड एंड पे आपको एक डाइनिंग टेबल दिया गया है. मैं अब आपको यहीं से एक क्विक टूर दे देती हूँ कि कौन सा रूम कहाँ पे है. फर्स्ट में ये एक फर्स्ट बेडरूम है, उसके बाजू में ही आपको ये कवर्ड किचन दिया गया है, उसके बाद आपको एक सेकेंड रूम दिया गया है,
हॉल कम लिविंग के सेंटर से ही आपको थर्ड बेडरूम और कॉमन बाथरूम के लिए और हॉलवे बेसिन के लिए एक्सेस मिल जाएगा। सो जैसे ही आप किड्स रूम से निकलते हैं वापस अपने हॉल कम लिविंग में आ जाते हैं, उसके बाजू में ही आपको ये कवर्ड किचन दिया गया है। सो किचन का जो साइज है वो 8x8 है और उसी से अटैच एक यूटिलिटी बालकनी है, ठीक है। सो आप किचन देख लीजिए यहाँ पे। यहाँ पे जो आपको किचन का सेल्फ दिया हुआ है ये ऑलमोस्ट 2 feet है, उससे आई थिंक 2 feet से भी ज़्यादा है। मॉड्यूलर किचन यू नो इस तरह से इन्होंने बनाया है, आप अपने हिसाब से डेकोर कर सकते हैं। किचन में आपको एक ये एंट्रेंस में ही पॉइंट दिया गया है और ये इस कॉर्नर में एक पॉइंट दिया गया है, इस तरफ में एक पॉइंट दिया है, तो पॉइंट्स की प्रॉब्लम नहीं है। सो ये 8x8 का ये आपका किचन है और इसी से अटैच आपको ये यूटिलिटी बालकनी दी गई है। यहाँ पे आप अपना जैसे यहाँ पे वॉशिंग मशीन रखा हुआ है, सो आप अपना यहाँ पे वॉशिंग मशीन सिचुएट कर सकते हैं। सो ये जो यूटिलिटी बालकनी है इसका जो स्पेस है वो 8 feet by 2.5 feet है, यानी कि 8x2.5 का ये यूटिलिटी बालकनी दिया हुआ है जो कि आपका किचन से अटैच है और यहीं से आपको यू नो बिल्डिंग का रोड वगैरह दिख जाएगा। ये फर्स्ट फ्लोर में है सो यहीं से बहुत यू नो क्लोज व्यू मिल जाएगा आपको रोड साइड का। सो जैसे ही हम किचन से निकलते हैं वापस अपने लिविंग कम हॉल में आ जाते हैं, उसी से अटैच आपको ये एक सेकेंड बेडरूम दिया गया है। सो सेकेंड बेडरूम का जो साइज़ है वो 14x12 का ये एक बेडरूम दिया गया है। सो यहाँ पे बेसिकली एक क्वीन साइज बेड रखा हुआ है। सो क्वीन साइज बेड रखने के बाद भी यहाँ पे यू नो ह्यूज स्पेस बाकी है और यहाँ पे एक वार्डरोब है, ठीक है। सामने में एक विंडो है मीडियम साइज़ का, यहाँ पे भी एक यू नो मीडियम साइज़ का विंडो है। सो बेसिकली यहाँ पे ये वार्डरोब दिया हुआ है वॉल माउंटेड। सो आपको वॉल माउंटेड यू नो वार्डरोब नहीं मिलेगा लेकिन एक स्पेस दिया जाएगा, सो आप वहाँ पे अपना वॉल माउंटेड वार्डरोब बना सकते हैं। सो एसी लगा हुआ है सो एसी का पॉइंट भी रहेगा। सो बेसिकली ये जो सेकेंड बेडरूम है इसका साइज 14x12 का ये सेकेंड बेडरूम है। सेकेंड बेडरूम से निकलते ये एक आपको बालकनी दी गई है। सो हॉल से अटैच ही आपको ये बालकनी दी गई है जिसका साइज 4x10 है। सो यहाँ से भी आपको यू नो ओपन स्पेस है, सो यू नो आपके बिल्डिंग के सामने का रोड वगैरह दिख जाएगा। सो यहाँ पे आप इवनिंग टाइम में एक यू नो चाय कॉफ़ी के लिए एक यू नो छोटा सा सेटअप यानी कि एक छोटा सा टेबल और चेयर रख सकते हैं ताकि आप अपना इवनिंग टाइम यहाँ पे एंजॉय कर सके। सो बेसिकली ये 4x10 का एक कॉमन बालकनी दिया हुआ है। सो हॉल के सेंटर में ही ये आपको एक हॉलवे दिया हुआ है जिसके एकदम फ्रंट में आपको एक बेसिन और एक मिरर दिया हुआ है। सो आप भी ऐसा इसको डेकोर कर सकते हैं, यू नो खाना खाने के बाद हैंड वॉश के लिए आप इसको प्रेफर कर सकते हैं। सो ये हॉलवे बेसिन है। इसके लेफ्ट साइड में ही आपको एक ये थर्ड बेडरूम दिया हुआ है और राइट साइड में ही आपको ये कॉमन बाथरूम दिया हुआ है। सो अब हम थर्ड बेडरूम के अंदर चलते हैं। सो थर्ड बेडरूम का जो साइज है वो 14x12 का ये थर्ड बेडरूम है, ठीक है। सो देख लीजिए, ओके यहाँ पे इन्होंने एक टीवी का सेटअप रखा हुआ है, यहाँ पे भी वार्डरोब बनाया गया है, सो आपको भी एक वार्डरोब के लिए स्पेस मिल जाएगा। एक मीडियम साइज की विंडो है यहाँ पे, ठीक है। एसी लगा हुआ है सो एसी का पॉइंट भी होगा। यहाँ पे ये एक किंग साइज बेड रखा है, सो आप देख सकते हैं किंग साइज बेड रखने के बाद भी आपको काफ़ी स्पेस मिल जा रहा है। सो ये एक यू नो थर्ड बेडरूम है जिसका साइज 14x12 का ये एक मास्टर बेडरूम है, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया प्रकृति है तो हर जगह पे प्रकृति का स्टैचू कहीं फोटो कहीं कुछ ना कुछ है। यहाँ पे एक ह्यूज सा एक ड्रेसिंग टेबल भी रखा है सो आप भी रख सकते हैं। और ये मास्टर बेडरूम से अटैच आपको एक ये कॉमन बाथरूम दिया गया हुआ है। सो बेसिकली ये जो इस बाथरूम है, इस बाथरूम का साइज 5x6.5 का ये एक कॉमन बाथरूम है। डेड एंड पे आपको ये टॉयलेट दिया गया है।
फ्रंट में ही आपको शावर पॉइंट, गीजर पॉइंट दिया हुआ है, टैप्स वगैरह दिए हुए हैं। सो मैं आपको दिखा दूं कि जितने भी बेसिन वगैरह है ये सब आपको पेरीवेयर कंपनी का दिया गया है। सो जितने टैप्स वगैरह हैं वो सब जैगुआर कंपनी के हैं और जितने भी बेसिन वगैरह है वो सब पेरीवेयर के हैं। सो ब्रांड इज ब्रांड, ब्रांड में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। सो आप ये भी देख लीजिए कि ये भी पेरीवेयर का है और डेड एंड पे आपको एक ये विंडो दिया हुआ है, ठीक है, वेंटिलेशन के लिए। यहाँ पे ये ग्लास से पार्टीशन किया हुआ है, आप चाहे तो आप भी अपने बाथरूम में कर सकते हैं, लेकिन आपको बेसिकली एक ओपन बाथरूम दिया जाएगा। सो बेसिकली इस बाथरूम का जो साइज है वो 6.5x5.5 का ये बाथरूम है। फिर इससे निकलते ही आप वापस अपने हॉलवे बेसिन के सामने आ जाते हैं, उसके ऑपोजिट में ही आपको ये कॉमन बाथरूम दिया गया है। डेड एंड पे आपको एक वेस्टर्न टॉयलेट शीट दिया गया है, बीच में ही आपको टैप पॉइंट्स दिए गए हैं, ऊपर शावर पॉइंट्स, एकदम कॉर्नर में आपको ये गीजर का पॉइंट दिया हुआ है और अंदर में ही आपको ये बेसिन दिया गया है। सो बेसिकली ये जो कॉमन बाथरूम है इसका साइज 7x4.5 का ये एक कॉमन बाथरूम है। सो बाथरूम से निकलते ही वापस आप अपने लिविंग कम डाइनिंग एरिया पे आ जाते हैं और एकदम ऊपर में आपको लॉफ्ट का एरिया दिया गया है। सो आप चाहे तो अपना एक्स्ट्रा सामान वहाँ पे रख सकते हैं। सो हाउ दिस फ्लैट लुक्स लाइक। ओके सो फ्रेंड, मैंने आपको 3BHK का मॉडल फ्लैट दिखा दिया है। सो आज हमको जो वीडियो में हेल्प करेंगे वो है रियाज। सो हम रियाज से पूरे लोकेशन का और सारी डिटेल्स ले लेते हैं। ओके सो रियाज वेलकम टू माई चैनल। ओके सो ही इज अ रियाज, एजेंट नहीं है, ये मार्केटिंग एजेंट है। सो कोई ब्रोकरेज नहीं लगेगा, ठीक है। सो आज के वीडियो में नो ब्रोकरेज। सो रियाज मुझे सबसे पहले बता दीजिए ये प्रोजेक्ट क्या है, कहाँ पे है, लोकेशन एग्जैक्टली क्या है। प्रोजेक्ट का नाम है गोदरेज प्रकृति, जो हमारे एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है। ऑलरेडी हम लोगों ने 17 टावर्स ऑलरेडी हमारा लॉन्च हो चुका है और हमने डिलीवर भी कर दिया, उसका भी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट आ रहा है जो है गोदरेज का। अभी हम लोग 2 टावर लॉन्च किया है, अब इसे लास्ट हमारा एक्सटेंशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसके बाद और प्रोजेक्ट अभी नहीं होगा यहाँ पे। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये सायत्री और कुमायूं, हमारा 2 टावर आ रहा है। और इसके लोकेशन के बारे में बोले तो लोकेशन एकदम है बीटी रोड के ऊपर, जो बीटी रोड है हमारा, बीटी रोड के ऊपर ही है। आप अगर सोदपुर मेट्रो स्टेशन, सोदपुर नहीं, जो गौरानगर मेट्रो स्टेशन है उससे 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है और सोदपुर जो रेलवे स्टेशन है वो 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ही है। ओके सो फ्रेंड, मैंने आपको 3BHK का मॉडल फ्लैट दिखा दिया है। सो अभी बाकी डिटेल्स के लिए, लोकेशन वगैरह के लिए आज हम अपने चैनल पे बुला लेते हैं रियाज भैया को। सो रियाज भैया आज हमें पूरा गाइड कर देंगे। सो वेलकम टू माय चैनल रियाज। ओके सो रियाज मुझे सबसे पहले बताइए ये जो प्रकृति गोदरेज है ये कहाँ पे, इसका लोकेशन एग्जैक्टली क्या है। आप अगर सोदपुर रेलवे स्टेशन जो है, सोदपुर रेलवे स्टेशन से जस्ट 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है और जो हमारा एग्जिस्टिंग मेट्रो प्रोजेक्ट है जो बौरानगर मेट्रो है वो यहाँ से करीबन 5 या 6 मिनट लगेगा। जो सोदपुर का जो चौमाथा मोड़ है उससे आप एकदम नस्ती में, उससे निकल के आपको 2 या 3 मिनट लगेगा। अच्छा। और जो हमारा यहाँ पर बिस्कुट फैक्ट्री है, जो उससे बिस्कुट फैक्ट्री जस्ट इसके नजदीक में है। अच्छा, सो आप मुझे अब ये प्रोजेक्ट के बारे में बताइए, कितने टावर्स है, कितने एकड़ पे है। तो बेसिकली हमारा जो प्रोजेक्ट है टोटल जो लैंड है 23 एकड़ लैंड है और इसमें ऑलरेडी हमारा 17 टावर बन चुके हैं और डिलीवर भी हो चुके हैं और उसका ही एग्जिस्टिंग अभी 2 प्रोजेक्ट आ रहा है, मतलब 2 टावर आ रहा है हमारा, जिसका नाम है कुमायूं, दूसरा सायत्री। तो ये हमारा अभी प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, इसका डिलीवर होगा 25 को, मतलब 2025 को डिलीवर होगा। इसमें मैं बता देता हूँ आपको, जो हमारे 23 एकड़ जो टोटल लैंड है इसमें हमें अभी 74% ओपन स्पेस है, जो आपको किसी और प्रोजेक्ट में नहीं दिखेगा। इसके बाद यहाँ पर नेचुरल वाटर बॉडी है, 4 हमारे नेचुरल वाटर बॉडी है, जो अराउंड 3 एकड़ नेचुरल वाटर बॉडी है और 1400 से ज़्यादा यहाँ पर ट्री है। वाह,
सो नाम का ही प्रगति नहीं, ये प्रोजेक्ट भी वाकई में प्रगति। आपने फ्लैट में देखा ही है, हर जगह के पे ना पेड़ वगैरह यू नो सिंबलाइज किया गया है। सो बेसिकली ये बहुत ज़रूरी है आज के ना। सो कोलकाता की भागती दौड़ती जिंदगी में, इतना पॉल्यूटेड शहर में ना यू नो फ्रेश ऑक्सीजन ही नहीं मिल पाता है। सो ये प्रोजेक्ट कोशिश कर रहा है थोड़ा बहुत अपने यू नो जो क्लाइंट्स हैं उनको एक फ्रेश ऑक्सीजन और फ्रेश एनवायरनमेंट देने का, इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट देने का। सो इट्स अ गुड एफर्ट आई वुड से। अच्छा सो और एक चीज़ मुझे बता दीजिए, अगर मेरे बच्चे हों मुझे स्कूल वगैरह कॉलेजेस वगैरह, तो यहाँ पर जो है नियरेस्ट तो दो एक स्कूल मिल जाएगा। यहाँ पर रानी राशमई जो हाई स्कूल है वो भी यहाँ पर पास ही है, इसके से बाद सेंट जेवियर्स से है पास में। और अगर आप कॉलेज की बात करेंगे तो जो यहाँ पर मेडिकल कॉलेज है जो सागर दत्त मेडिकल कॉलेज है वहाँ से जस्ट 10 मिनट की दूरी का ही है। इसके सिवा यहाँ पर और भी बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस है नज़दीक। अच्छा और एक चीज़ बता दीजिए, अगर मुझे कहीं जाना है, सॉल्ट लेक पाइप जाना है, नॉर्थ साइड जाना है, तो बस वगैरह कहाँ से कैसा? बस तो आप इधर से निकलेंगे तो ही आपको बस मिल जाएगा। जस्ट हमारा जो एंट्री गेट है हम दिखाएंगे आपको बाद में, एंट्री गेट से आपको बस मिल जाएगा और यहाँ से आपको मेट्रो मिल जाएगा जो अभी एग्जिस्टिंग मेट्रो है जो बड़ा नगर मेट्रो स्टेशन, वहाँ से आप जहाँ चाहे जा सकते हैं। दूसरा अगर यहाँ से आप एयरपोर्ट जाना चाहें तो बाई कार या फिर बाई बाइक आपको मैक्सिमम 30 मिनट लगेंगे यहाँ से एयरपोर्ट जाने में। और दूसरी बात है अगर मेट्रो जब एयरपोर्ट मेट्रो आ रहा है सबको मालूम है, तो एयरपोर्ट मेट्रो जब आ जाएगा तो डिस्टेंस और भी कम हो जाएगा, मतलब टाइम और भी कम लगेगा उस टाइम। अच्छा मुझे एक और चीज़ बता दीजिए, यहाँ पे 17 टावर्स है, मतलब ये और दो हो रहे हैं तो टोटल 19 हो जाएगा। सो अगर मेरा टावर तो कहीं कोने में हो सकता है तो मुझे एंट्री गेट में कैसे जाऊँगी कुछ अंदर? यहाँ पर दो एंट्री है, वही बोल रहे हैं कि एक एंट्री जो बीटी रोड पे है और दूसरा एंट्री जो सोदपुर का रेलवे ट्रैक है, रेलवे ट्रैक बस मतलब बीटी रोड को भी कनेक्ट करते हैं, दूसरे आप रेलवे स्टेशन जाएंगे तो उससे बैक साइड भी एक अगर वो तो आपको मिलता ही हमेशा ही। और अगर आप चाहे कि हमें आउट स्टेशन भी जाना है घर बैठे बैठे तो उसके लिए आप ओला उबेर भी बुक कर सकते हैं, उसका भी कनेक्टिविटी। अच्छा तो मतलब 24/7 ओला उबेर मुझे। रियाज मुझे एक और चीज बता दीजिए कि एमिनिटीज में सोसाइटी क्या मुझे प्रोवाइड करेगा? एमिनिटीज सिंपली अगर बोले तो यहाँ पर ऐसे कोई एमिनिटीज नहीं है जो नहीं है, आपको ए टू जेड सब एमिनिटी मिल जाएगा, मॉडर्न एमिनिटीज से शुरू करके बेसिक एमिनिटीज सब कुछ है। और बेसिक अगर बात करें तो लिफ्ट तो आपको मिलेगा ही, उसके बाद यहाँ पर प्ले ग्राउंड है जो करीबन 2900 अप्रॉक्सीमेटली फुटबॉल ग्राउंड है, उसके बाद किड्स प्ले जोन भी है, किड्स प्ले जोन अराउंड 3000 समथिंग स्क्वायर फीट है, स्विमिंग पूल है, किड्स स्विमिंग पूल भी है। और नेचुरल सबसे बड़ी बात यहाँ पर 4 नेचुरल वाटर बॉडी आपको मिलेगा और यहाँ पर एक फिशिंग डेक भी है, आप चाहे तो वहाँ पर फिशिंग भी कर सकते हैं। अगर मेरे पापा होते तो वो तो फिशिंग डेक के पास ही बैठे रहते, तो मेरे पापा को फिशिंग करना बहुत पसंद है। और एक बात मेंशन है जो हमारा जो सबसे लार्ज वाला वाटर बॉडी है वहाँ के पास हम लोग बारबेक्यू डेक बनाया, वहाँ पर आप बारबेक्यू बना सकते हैं, तो ये सारे है। और इसके सिवा जो वाटर ट्रीटमेंट मैं वो आपको मॉडल में दिखा दूंगा, जो यहाँ का लोकल पौरसभा है उनको हम लोगों ने लैंड दिया है तो वो लोग वहाँ पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बना रहे हैं, तो वहाँ से आपको वाटर 24 आवर्स मिलेगा। अच्छा रियाज सो आपने मुझे बता दिया, सो बस वगैरह तो सामने से मिल जाएगी, ट्रेन वगैरह की क्या? ट्रेन तो मैंने बोला आपको अभी यहाँ पर सोदपुर रेलवे स्टेशन जस्ट नजदीक में 1.5 किलोमीटर पे, आप यहाँ से निकलेंगे तो आपको रेलवे ट्रैक दिखेगा। अच्छा और बैंक एटीएम? बैंक एटीएम हमारे यहाँ पर एक शॉपिंग प्लाजा है जो मैं मेंशन करना पहले भूल गया था, यहाँ पर गोदरेज प्रकृति में हमारा एक प्रकृति प्लाजा है, प्रकृति प्लाजा में आपको ग्रोसरी सारे स्टोर मिल सारी चीज़ मिल जाएगा और वहाँ पर एटीएम भी हमारा है। अगर आपको फिर बैंक भी चाहिए तो आप यहाँ से नज़दीक में अराउंड 10 मिनट में आपको SBI बैंक मिल जाएगा और बाकी ATM सारा तो आपको यहाँ पर सोदपुर के मोड़ पे ही मिल जाएगा सारे के सारे ATM, और फॉर रेसिडेंस ऑनली, यहाँ पर आपको रेसिडेंस के लिए ATM बाहर ही मिलेगा एकदम, मतलब शॉपिंग प्लाजा जो हमारे हैं बाहर नहीं अंदर ही, वहाँ पर आपको मिलेगा। अच्छा शॉपिंग प्लाजा ये प्रोजेक्ट के अंदर ही है, मुझे बाहर जाने की जरूरत नहीं है। सो मुझे अगर कुछ सामान खरीदना हो, मॉल वगैरह सब अंदर ही है? हाँ मॉल वगैरह अंदर ही सब। और मैंने सुना है कि हॉस्पिटल भी अंदर है? यहाँ पर एक हॉस्पिटल बन रहा है, अभी तक नहीं बना, उसका G+3 का टावर रेडी है तो वहाँ पर हॉस्पिटल बनेगा, अपकमिंग हॉस्पिटल। वाह अच्छा अभी जो सेकंड जो आपने बताया कि शेद्री और कुमायूं जो दो नए टावर बन रहे हैं वो कितने प्लस होंगे? G+ और G+21।
उसको क्या व्यू मिलेगा? और 21 फ्लोर में मतलब हायर फ्लोर से शायद आपको गंगा भी दिख जाएगी यहाँ से. रियली? सो मतलब आपको 21 फ्लोर से गंगा भी दिखेगा. वाओ, गुड. सो मैं बहुत सारे सब्सक्राइबर मेरे ऐसे हैं जो चाह रहे थे कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट जहाँ से उनको गंगा मिले. सो 21 फ्लोर से आपको गंगा दिख जाएगा. रियाज, पार्किंग की क्या फैसिलिटी है यहाँ पे? पार्किंग अवेलेबल है. एक्चुअली यहाँ पर जो हमारे प्राइस रहते हैं गोदरेज में, यहाँ पर हम लोग बॉक्स प्राइस ऑफर करते हैं. तो मान लीजिए जैसे बता देता हूँ कि 2 BHK का स्टार्टिंग है 895 से लेकर 1053 तक हमारे 2 BHK स्क्वायर फीट में, और ये सेलेबल एरिया है जो. तो इसमें 2 BHK का हमारा जो बॉक्स प्राइस हम लोगों ने रखा है स्टार्टिंग 42 एंड ऑनवर्ड, और 3 BHK का हमारा जो है 3 BHK 1168 से लेकर 1274 स्क्वायर फीट तक 3 BHK है, इसका स्टार्टिंग प्राइस हम लोगों ने 57 लाख से रखा है. अच्छा, सो मतलब पार्किंग ऑलरेडी इसमें, पार्किंग GST, और किसी को अगर पार्किंग नहीं लेना हो तो ये हम उसमें से आपको डिडक्शन कर देंगे वो. बट अभी हम लोग बॉक्स प्राइस पे बेच रहे हैं तो इसको हम लोग सेपरेट प्राइस नहीं बोलते. अच्छा, क्योंकि आप बहुत बिल्डर, बट देयर आर फ्यू चांसेस यू नो इफ यू विजिट ओवर हियर सो दे कैन यू नो नेगोशिएट इट. सो इसमें कोई इशू नहीं. और एक बात मैं मेंशन करना चाहता हूँ कि अभी हमारे पास एक ऑफर चल रहा है कि अगर आप स्पॉट बुकिंग करते तो उसमें हम लोग आपको एक्सटेंडिंग ऑफर वगैरह देते हैं. Wow. So, अच्छा, ये पोजीशन कब मिल जाएगा? पोजीशन 25 को मिलेगा. अच्छा, 2025 को पोजीशन मिल जाएगा, लेकिन अभी करंटली ऑफर चल रहा है. सो अगर आप लोग आते हैं और स्पॉट बुकिंग करते हैं तो आप लोगों को काफी सारे ऑफर्स मिल जाएंगे. सो उसके लिए तो भैया आपको ऑफिस आना पड़ेगा, प्रोजेक्ट देखना पड़ेगा और रियाज से मिलना पड़ेगा. रियाज, मुझे एक और चीज बता दीजिए, यहाँ पे कौन से फ्लोर पे अवेलेबल है? सब फ्लोर पे सब तरह के अवेलेबल है. यहाँ पर हम लोग अवेलेबिलिटी इससे नहीं बोल सकते क्योंकि वो हमारे ऑन टाइम चेक होता है, जो अवेलेबिलिटी रहता है ऑन टाइम चेक होता है. तो आप आइए, हमारे पास अभी मल्टी स्टोर में अवेलेबल है, बहुत सारी अवेलेबिलिटी है, तो आपको मिल जाएगा. अच्छा, सो मतलब अभी जो 2 नए टावर है वो बन रहे हैं, बनना शुरू हुए हैं, सो आपके पास अपॉर्चुनिटी रहेगी कि आप अपने हिसाब से अपने फ्लोर पे ले सके. ठीक है, और पार्किंग जैसा बताया है प्राइस में ऑलरेडी बॉक्स प्राइस दिया हुआ है, सो उसमें GST, उसमें एम्यूनिटीज चार्ज, उसमें पार्किंग चार्ज सब मिला हुआ है. और मेंटेनेंस कितना रहेगा? मेंटेनेंस अभी 2 से 3 रुपए तक मतलब जाएगा, क्योंकि वो अभी बना नहीं. तो इधर जो मेंटेनेंस है 2.3 या 2.5 मेंटेनेंस रहा है हमारे इधर, और बाकी वो अभी 1 साल के मेंटेनेंस तो आपको नहीं लगेगा, उसके बाद आप अराउंड पकड़ लीजिए 2 से 3 रुपए के अंदर ही आएगा मेंटेनेंस. अच्छा, सो फर्स्ट ईयर तो नहीं लगता है किसी भी प्रोजेक्ट में, फिर उसके बाद 2 से 3 रुपए आपको पड़ेगा. ओके, सो रियाज मुझे ये बता दीजिए कि बारिश में पानी वानी जमता है क्या यहाँ पे? नहीं, पानी नहीं जमता इधर. और आप इसका ड्रेनेज सिस्टम भी मैम आपको दिखा देंगे, ड्रेनेज सिस्टम आप देखेंगे तो आपको मालूम चल जाएगी इधर पानी जमने की कोई चांस ही नहीं है. अच्छा, सो अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम होने के कारण पानी नहीं जमता है, इज इट? ओके, सो रियाज, पीने का पानी का क्या फैसिलिटी है? यहाँ पर बोरवेल वाटर सिस्टम है, 24 आवर्स अवेलेबल रहते हैं. अच्छा, सो ऊपर आपको यू नो ऊपर या नीचे अंडरग्राउंड आपको बोरवेल सिस्टम है, सो आपको वहीं से पानी मिल जाएगा 24/7, पानी की दिक्कत भी नहीं होगी. ओके, सो अभी मैंने आपको मॉडल फ्लैट दिखा दिया, प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल्स दे दिया, स्कूल कॉलेज सब कवर कर लिया है. सो अभी चलिए मैं आपको पूरा ये कैंपस दिखा देती हूँ, और मैं कोशिश करूंगी कि मेरे वीडियो पे एक छोटा सा क्लिपिंग डालूं इस पूरे प्रोजेक्ट का. सो आई विश कि वो आप लोगों को अच्छा लगे और आपको एक आइडिया हो जाए कि ये प्रोजेक्ट एग्जैक्टली में दिखता कैसा है. सो अगर आपको ज़्यादा डिटेल्स चाहिए तो रियाज का नाम और नंबर मैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर लीजिए. सो अभी चलिए हम लोकेशन देखते हैं और आसपास के एमिनिटीज क्या क्या है, कैसा दिखता है वो देखते हैं. ओके, सो फ्रेंड, मैंने आपको मॉडल फ्लैट दिखा दिया, पूरे कॉम्प्लेक्स का टूर दे दिया, एमिनिटीज वगैरह दिखा दी, यू नो पूरा कॉम्प्लेक्स कैसा है जब मैंने कहा था वैसा यू नो मीटअप कर रहा है कि नहीं एक्सपेक्टेशन को. सो आई गेस आपको अच्छा लगा होगा, और मैंने जो एक छोटी सी वीडियो क्लिप डाली है, सो आई गेस आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि कॉम्प्लेक्स एग्जैक्टली कैसा दिखता है, इसमें क्या क्या फैसिलिटीज और एमिनिटीज आपको मिलेंगी. सो अभी टाइम है रियाज भैया को बाय कहने का.
सो रियाज भैया मिलियन एकर्स मार्केटिंग कंपनी की तरफ से है. सो मैंने जैसा बताया था आज के वीडियो में कोई ब्रोकरेज नहीं है. सो उसके लिए आपको रियाज भैया से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा. इनका कॉन्टैक्ट नंबर नाम मैं नीचे दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. और अगर आप लोग के पास कोई प्रोजेक्ट है या कोई यू नो स्टैंड अलोन बिल्डिंग है या कोई कॉम्प्लेक्स है जिसे आप चाहते हैं कि मैं आके शूट करूँ, सो मैं अपना ईमेल एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. आप वहाँ पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. अगर आपके पास कोई रीसेल फ्लैट है, आप चाहते हैं कि मैं उसे यू नो शूट करूँ, सो आप उसके कुछ पिक्चर्स मेरे मेल एड्रेस पर शेयर कीजिए. अगर मुझे अच्छा लगा तो डेफिनेटली मैं आप लोग को आई विल गेट बैक टू यू और मैं डेफिनेटली शूट करूँगी. और अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता है, चैनल अच्छा लगता है, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड सायोनारा.